हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी गुड मॉर्निंग आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है ग्लोबल न्यूज़ से ही स्टार्ट करेंगे कुछ फिर इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ एंड देन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे आज भी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है उसमें थोड़ा सा आपके इनपुट्स भी चाहिए होंगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे इंटरेस्टिंग रहेगा ठीक है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से तो यूएस मार्केट्स अगर हम बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव में रही नैसडेक तो ऑलमोस्ट थ्री परसेंट अब था और एस एन पी फाइव हंड्रेड वॉज ऑलमोस्ट अबव टू परसेंट तो काफ़ी एक पॉजिटिविटी रही यू एस मार्केट्स में एंड मेजरली रिलेटेड टू एन वीडियाज रिज़ल्ट का वो असर ज़्यादा रहा एन वीडिया के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए राइट ऑलमोस्ट टू सिक्सटी फाइव परसेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ इन दिस क्वार्टर तो और उन्होंने काफ़ी एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जो बिजनेस है उसको मतलब एक सेपरेट इंडस्ट्री की तरह लिया है कि भाई एक बिल्कुल सेपरेट सेक्टर हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए बिजनेस राइट तो ऑब्वियसली ऑलरेडी उसकी मार्केट कैप काफ़ी बड़ी हो गई है राइट एंड इट सीम्स दैट गूगल को भी क्रॉस कर सकती है फिफ्टीन परसेंट अब जो है वो एनवीडिया स्टॉक रहा इन दिस होल थॉट प्रोसेस तो आप इट uh, वॉज मतलब एक ब्लॉक बस्टर टाइप के रिजल्ट बेसिकली कंपनी ने दिए और उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द फाइव सिक्स कंपनीज राइट? टू आई थिंक वन पॉइंट फोर ट्रिलियन वन पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप ऑलरेडी है अब पंद्रह परसेंट और बढ़ गया तो कोर्स उसकी वजह से काफ़ी एक पॉजिटिविटी मार्केट में सारी जगह रही और वही मार्केट में वही पॉजिटिविटी इवन यूरोपियन मार्केट्स में भी दिखी और वही पॉजिटिविटी इवन जापनीज मार्केट में भी दिखी तो जापनीज मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक उन्होंने आई थिंक एक लैंडमार्क अचीव किया है आफ्टर थर्टी फोर ईयर्स जो वहाँ का इंडेक्स है निक्की इट हैज़ टचड मतलब इट हैज़ क्रॉस दोज लेव अचीव इन नाइनटीन नाइनटी वन आई थिंक नाइनटीन नाइनटी वन या नाइनटीन ऐटी नाइन या नाइनटीन नाइनटी वन आई थिंक नी सॉरी नाइनटीन एटी नाइन नाइनटीन एटी नाइन में जो लेवल उन्होंने uh, टच किया था एंड विच वॉज़ अराउंड आई थिंक थर्टी नाइन थाउजेंड वो अभी क्रॉस किया है नाइनटीन एटी नाइन के बाद ऑलमोस्ट थर्टी फोर ईयर्स के बाद वो जो लेवल है वो क्रॉस हुआ है थर्टी फोर ईयर्स के बाद तो यू कैन इमेजिन राइट कितना वेट करना पड़ा तो वो लॉस डेकेट वगैरह की बात है ये आई एम श्योर आपने वीडियो देखा होगा मेरा जापान इकोनॉमी में क्या क्या हुआ है कैसे कैसे क्यों 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 हुआ ये सारी चीज़ें तो अब इसके जो तीन रीजन्स बताए जा रहे हैं कि वाई निकी हैज़ डन वेल रिसेंटली राइट वहाँ का जो इंडेक्स है उसमें उसका अच्छा रहा परफॉर्मेंस अगर हम देखें लास्ट दो एक डेढ़ दो साल से तो एक तो वहाँ पर इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन वगैरह में वहाँ पर भी इन्फ्लेशन वापस आई जो कि पहले बिल्कुल फ्लैट प्राइजेस थे वहाँ पर इन्फ्लेशन इज बैक सेकेंड थिंग जो काफ़ी पॉजिटिव उनके लिए रहा वो है इवन चाइना uh, में जो इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स जापान एज वेल राइट तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो जापान uh, को दिखा एंड थर्ड थिंग इज कि ओवरऑल एफिशिएंसीज एंड प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड वहाँ पर भी आई है तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस भी हुए हैं गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक्स की बात होती है टू थाउजेंड में जो किया इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उसका जो है उसका भी इम्पैक्ट मतलब कंपनीज लाइक टोयटा सोनी दे आर डूइंग वेल नाउ दे आर स्टार्टेड डूइंग वेल ग्रोइंग वेल तो उसका भी जो है ओवरऑल इम्पैक्ट जापनीज में दिख रहा है इंटरेस्टिंग नंबर एक और है इसमें मतलब ऐसे ऐसा लग रहा है नॉलेज सेक्शन ही हो गया है ये राइट तो इंटरेस्टिंग नंबर ये है कि जब 1989 में निकी उस लेवल पे 39,000 लेवल पे था उस टाइम निकी का पी रेशियो वो 71 के आसपास था 71 और अभी जो है उसी लेवल पे 34 इयर्स के बाद उसी लेवल पे वापस आया है तो अब पी के साथ आया है सेवनटीन के पी के साथ ठीक है तो इस तरह से ओवरऑल जापनीज इकॉनमी स्लो डाउन में रही काफ़ी मतलब कुछ ग्रोथ नहीं था इन्फ्लेशन भी नहीं था तो उसकी वजह से काफ़ी सारी डिस्कशन मैंने एज सेड आई हैव मेड अ वीडियो ऑल्सो ऑन दैट यू कैन चेक ऑन आवर चैनल ट्रेजरी ईल्ड अगर हम यूएस की बात करें वो थोड़ी सी और बढ़ी 4.3 क्रॉस हो गया 4.32 ऑलमोस्ट ट्रेजरी ईल्ड आ गया है मेजरली अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट जो है वो थोड़ा थोड़ा और उसकी प्रॉबिलिटी कम होती जा रही है बिकॉज यूएस जॉबलेस जो क्लेम है वीकली जॉबलेस क्लेम है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड आया तो जॉबलेसनेस कम हो रही है तो इससे पता चल रहा है इकनॉमी इज़ डूइंग वेल इकनॉमी अच्छी करती है तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि इकनॉमी अच्छी कर रही है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है तो फिर फेड कहेगा कि क्यों करनी है इकनॉमी अच्छा तो कर रही है और इन्फ्लेशन अगर मैंने कम कर दिया इंटरेस्ट रेट तो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो, तो इस चक्कर में मार्केट को लग रहा है कि भाई हो सकता है थोड़ा और डिले हो रेट कट्स में ठीक है थोड़ा मार्च का एक्सपेक्टेशन था अभी वो थोड़ा मिड ऑफ ईयर में चला गया है तो लेट्स सी हाउ इट गोज तो बट वो इसीलिए ट्रेजरी वापस थ्री पॉइंट नाइन के आसपास चली गई थी या फोर पॉइंट थ्री परसेंट पर एनर पर एनर फॉर टेन ईयर जी सेल्ड जो है वो बढ़ रही है ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल uh, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी एक, uh, और ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें मेजरली यही चीज़ें थी अब कुछ इंडिया के बारे में बात करें तो आर uh, की जो मीटिंग हुई फेबररी uh, में जो एम मीटिंग होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को फ्लैट रखा गया मतलब चेंज नहीं किए सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट पर ही की इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट होता है वो रखा गया ठीक है उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आते हैं तो जैसे यूएस फेड के भी मिनट्स ऑफ मीटिंग थोड़े लेट आते हैं तो इसी तरह से आर के भी मिनट्स ऑफ मीटिंग आते हैं तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो डिस्कशन हुई और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग में शक्तान्ता था, शक्तिकांत था दास जो आर गवर्नर है उन्होंने काफी मैं एग्जैक्टली स्टेटमेंट ही बोल देता हूँ आपको कि क्या बोला उन्होंने फूड प्राइस अनसर्टेनिटी रिमेन्स अ मेजर सोर्स ऑफ वैलाटिलिटी फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन तो इसलिए भाई फूड प्राइस अनसर्टेनिटी उन्होंने कहा कि एक मेजरली इशू है हमारा सेकंड ग्रोइंग जियो पॉलिटिकल टेंशन एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस ड्यू टू न्यू फ्लैश पॉइंट्स लाइक आई थिंक वो रेड सी वगैरह इसराइल हमस वॉर के ऊपर बोल रहे हैं ऑल्सो पोज फर्दर रिस्क टू इन्फ्लेशन एंड आउटलुक तो उन्होंने कहा मेजर ये दो रिस्क है भाई फूड प्राइस है और एक सप्लाई चेन रिस्क है और मतलब जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल वगैरह का रिस्क हमें है तो इसकी वजह से ही इन्फ्लेशन पे हमें इम्पैक्ट होगा और इसलिए अभी हम कुछ भी इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं हम तो ये सारी चीज़ें इस पर हुई डिस्कशन जेफरीज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई एंड आई विल कीप ऑन ट्वीटिंग मोर अबाउट इट वो काफ़ी एक डिटेल रिपोर्ट है थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं uh, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है तो उसमें उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड 2027 में ही पहुंच जाएगी तो पहला एस्टिमेट आया था वो 2029 के आसपास आया था 2029 30 इस तरह से आया था नाउ दे आर सेइंग 2027 में ही इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनॉमी सरपासिंग जापान एंड जर्मनी ठीक है एंड इंडिया विल बी अ टेन ट्रिलियन डॉलर मार्केट बाई टू वेरी एग्रेसिव एस्टीमेट्स दे हैव गिवन उन्होंने ये भी बोला है कि आ, इंडिया नाइन्थ लार्जेस्ट इकॉनॉमी थी डेकेट बैक में ठीक है दे हैव बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट विद अ नॉमिनल जीडीपी ऑफ 3.4 ट्रिलियन और पीपीपी बेसिस पे हम जो है अभी 13.2 ट्रिलियन डॉलर की है जो ऑलरेडी थर्ड इकॉनॉमी पीपीपी बेसिस पे हम ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में ठीक है तो काफी अच्छी रिपोर्ट है एज अ सैड इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर तो वे वी विल कीप ऑन आई विल कीप ऑन ट्वीटिंग मोर अबाउट इट एंड मोर ग्राफ्स एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है इसी तरह की रिपोर्ट इवन है के जो काफी बड़ा पी इन्वेस्टर है उन्होंने भी निकाली बट इट्स मच स्मॉलर रिपोर्ट दैट ऑल्सो आई विल ट्वीट एंड आई विल शेयर अबाउट इट ऑन ट्विटर ट्राई करेंगे यूट्यूब कम्युनिटी पे भी कुछ पोस्ट उसके वी विल पुट कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में अगर बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो कि कमर्शियल मतलब बेसिकली बसेस वगैरह मेजरली बनाते हैं इन ईवी स्पेस ईवी कंपनी है वो तो उनको एक 2400 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑपरेशन सप्लाई एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट um, उनको मिला है फ्रॉम बेस्ट बेस्ट जो कि मुंबई में um, चलाते हैं बसेस को गवर्नमेंट कंपनी है तो ये चार हजार करोड़ का बेसिकली उनको ऑर्डर uh, मिला है एटीन मंथ्स में उनको ये डिलीवर करना है तो अगेन अ वेरी बिग थिंग फॉर आई थिंक एटीन सेवेंटी एटीन थाउजेंड करोड़ की कंपनी है फॉर देम फोर थाउजेंड करोड़ इज़ वेरी गुड बोर्ड ऑफ ऑन आइडिया के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है ट्वेंटी सेवंथ को टू कंसिडर प्रपोजल फॉर रेजिंग फंड्स ठीक है तो उनको राइट्स इशू ऑल ऑन पर पब्लिक ऑफर करना है प्राइवेट प्लेसमेंट करना है कैसे करना है तो इक्विटी सेल करने के बेसिकली बेसिस पे दे वांट टू रेज मोर फंड्स एंड दैट्स वाई इट इज बेसिकली प्लान एंजन वन ने भी दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू रेज फंड्स टू थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के प्लान्स कर रहे हैं वो टू रेज मेजरली रीज़न क्या है कि दे आर सेइंग कि भाई हम तो अभी इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में तो हैं राइट एंड वी आर डूइंग वेल स्टॉक ब्रोकर हैं और म्यूचुअल फंड्स में भी हैं बट वी वॉन्ट टू गो इंटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट का मतलब लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन में भी एज वेल एज फिक्सड इनकम प्रोडक्ट्स के भी डिस्ट्रीब्यूशन में वी वॉन्ट टू गो और उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं उस ऊपर ऐप बनाना है तो उसके लिए दो करोड़ रुपये चाहिए ठीक है तो ये भी देर प्लानिंग ग्रासिम की भी जो बात हो रही थी काफी टाइम से ब्रे पेंट इंडस्ट्री में एंटर होने वाला है तो दाउट दे हैव आई थिंक काइंड ऑफ अनाउंस्ड उनका जो पेंट बिजनेस है वो बिरला ओपस के नाम से पेंट ब्रांड उनका रहेगा और दे हैव कंपनी जो है उसने तीन प्लांट जो है वो ऑलरेडी इनाग्रेट कर दिए हैं पानीपत में लुधियाना में जय्यर इन तमिलनाडु ठीक है एंड दे आर टारगेटिंग अ टेन थाउजेंड करोर रेवेन्यू इन थ्री ईयर्स डाक्सवट कुमार मंगलमिंग राइट कि भाई तीन साल में दस हज़ार करोड़ का हमें रेवेन्यू करना है ठीक है अब इसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स वगैरह जब ये दो तीन साल से चल रहा है दे आर पिटिंग लॉड ऑफ मनी बिरला एज ट्राइंग टू पुट लॉड ऑफ मनी इन टू पेंट सेगमेंट और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा एशियन पेंट्स वगैरह के स्टॉक बीच में गिरे भी थे और शायद वो एक रीज़न भी है क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और इतने सारे कॉम्पिटिशन आ रहा है पेंट इंडस्ट्री में कि पीपल आर नॉट वैल्यूइंग एशियन पेंट्स एंड कंपनीज लाइक बर्जर जो थोड़ी पुरानी कंपनीज हैं दैट मच बट लेट्स सी हाउ द कंपनीज वर्क एंड कैसा होता है ठीक है वी आर स्टिल वेरी पॉजिटिव आई थिंक इट इज़ नॉट ईजी स्पेस टू जस्ट गो इन एंड गेट गेट मार्केट शेयर अकॉर्डिंग टू अस आई थिंक इट विल स्टिल टेक टाइम एंड द करंट प्लेयर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग विद लॉट ऑफ माइट इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल तो लेट्स सी हाउ द कॉम्पिटिशन बेसिकली बॉयल्स आउट सो दिस इज़ ऑल द मेजरली ऑन द अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था मेजरली ग्लोबल एनवीडिया के रिजल्ट पे ही मार्केट uh, जो है वो मूव करें मतलब मेरे को लगता है टेक और हमें लास्ट में भी अगर आप कल भी देखा होगा तो लास्ट में इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव में एकदम से आई और टेक स्टॉक्स एक्चुअली डिड ब्रेटी वेल ठीक है तो वो भी हमें देखना है तो अब हम बात करेंगे फ्रॉम द नॉलेज सेक्शन परस्पेक्टिव ठीक है तो मैं एक छोटी सी इमेज शेयर करूंगा अगेन पीपल हु कैन नॉट सी द स्क्रीन मतलब व ड्राइविंग और जिम में और वॉक कर रहे हैं तो आई विल ट्राई टू स्पीक मोर ठीक है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है बेसिकली तो आई थिंक आई टुक इट ऑन फ्राम ट्विटर आई रिमेंबर मैं को याद नहीं आ रहा आप किस किसी के ट्विटर चैनल से लिया था मैंने तो so, uh, ये बेसिकली उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू मैकेजीच विच इज़ द बिगेस्ट कंसल्टिंग कंपनी इन द वर्ल्ड उनके हिसाब से एक कंपनीज़ के दो सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होते हैं मेजरली एक होता है प्राइस प्रीमियम कि भाई वो प्रीमियम प्राइस कर पाते हैं तो क्योंकि -क्यों रीजन्स है तो वो एक रीज़न रहता है और एक दूसरा है उनकी कॉस्ट या कैपिटल एफिशिएंसी मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी और उनकी जो कॉस्ट है उसकी एफिशिएंसी में ये मेजरली दो कॉम्पटेटिव एडवांटेज कंपनी के पास होते हैं अब वो किस वजह से होते हैं प्राइस प्रीमियम उन्होंने बोला कि पाँच तरह से उन्होंने बोला कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो तो कि भाई जब प्रोडक्ट्स जो है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए कंपनी कि भाई विच आर डिफ़िकल्ट टू कॉपी या फिर जो प्रोटेक्टेड हो पेटेंट्स से अच्छा इसमें मेरे को आपसे हेल्प चाहिए इंडियन कंपनी परस्पेक्टिव से अब ये जो चार्ट है ये यू एस पर्स्पेक्टिव से है इसमें सब इस यू एस की कंपनी है तो आप अब मैं भी कुछ जो जो मेरे दिमाग में आएगा मैं भी बोलूँगा इज़ जस्ट कम्प्लीटली रन मतलब मे बी आई एम नॉट कवरिंग एवरीथिंग बट जो भी मेरे दिमाग में फॉन टॉप ऑफ द माइंड आएगा आई इज ऑलसो से तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत डिफिकल्ट टू कॉपी हैं या प्रोटेक्टेड है पेटेंट्स से उस तरह की कंपनीज़ का प्राइस प्रीमियम रहता है दे हैव दैट प्राइस प्रीमियम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज रहता है राइट right, उस चीज़ का तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो ए का दिया है जो कि एक सेमी कंपनी है और एक एप्पल का दिया है कि भाई प्राइस प्रीमियम है डिफ़िकल्ट टू कॉपी प्रोडक्ट्स हैं और क्या कहते हैं पेटेंट्स वगैरह से प्रोटेक्टेड रहे हैं आप बताओ इंडिया में कौन सा है तो मुझे तो लगता नहीं है कुछ ऐसा स्पेसिफिक इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में है ठीक है मे बी न्यू स्मॉल ड्रोन कंपनीज हेयर एंड देयर आर कमिंग फ्यू कंपनीज आर कमिंग आ, मतलब लिस्टेड कंपनीज़ की अगर हम अगेन मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इस तरह से प्रोडक्ट कंपनी जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और ग्लोब के लिए या इस तरह के कोई प्रोडक्ट कंपनी एज सच कोई बड़ी कंपनी मेरे टॉप ऑफ द माइंड में नहीं आती है ठीक है तो आपके है तो आप बताना मुझे कि कौन सी ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी है जो जिनके पास या तो पेटेंट प्रोटेक्शन है ठीक है कुछ है एक आधो तो पेटेंट प्रोडक्शन है ऐसी नहीं है इंडिया के पास कंपनीज़ हैं जो पेटेंट प्रोटेक्टेड हैं या फिर मोस्टली एम हैं जो इंडिया में भी जिनका पेटेंट प्रोडक्शन है फार्मा में भी कुछ कंपनीज़ हैं बट अगेन मतलब प्योर ऐसा कंपनी नहीं है ठीक है तो आप बताना मुझे कि अगर आपको कुछ लगे तो बट आई थिंक दिस कैटेगरी इंडिया में ये एक्जिस्ट ज़्यादा नहीं करती है सेकेंड है क्वालिटी उन्होंने बोला कि क्वालिटी की वजह से भी प्राइस प्रीमियम कंपनीज़ को मिल सकता है इफ़ यू हैव ए प्रोडक्ट विच आर वेरी हाई क्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पेटिंग प्रोडक्ट्स तो ये आई थिंक आई एग्री आई थिंक दे आर लॉट ऑफ कंपनीज़ इन इंडिया लाइक दैट जैसे अगर हम एफ एम सी जी में बात करें तो नेस्ले हो गया हिंदुस्तान लीवर हो गया या मैरिको अगर हम देख करें तो मतलब आई थिंक दे हैव दैट दे हैव ट्राइड टू मेनटेन दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट सर्टन लेवल कि उनके प्रोडक्ट्स ब्रांड वैल्यू तो है ही बट क्वालिटी भी उनके प्रोडक्ट्स में है राइट right? इवन अगर हम थोड़ा uh, क्या कहते हैं कार कंपनीज को भी देखें राइट right? नॉट स्पेशली न्यू कंपनी लाइक द टाटा मोटर जिस तरह से कार्स लेके आ रही है या महिंद्रा एंड महिंद्रा तो दीज कंपनीज़ हैव दैट क्वालिटी जो है और जो क्लासिक एग्जाम्पल मुझे लगता है जो क्लास इसमें क्वालिटी में आता है वो है जिलेट राइट आई थिंक उनका जो प्राइस प्रीमियम है ऑन देयर रेजर्स एंड एवरी थिंग स्पेशली द मेन्स ग्रूमिंग प्रोडक्ट वो आई थिंक इज़ अ प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं उस वजह से इन्होंने जो है एग्जाम्पल दिया है वो सोनोज करके कंपनी और एक बी एम डब्ल्यू उन्होंने क्वालिटी का एग्ज़ाम्पल दिया फिर थर्ड है ब्रांड ओके आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है तो ऑफकोर्स आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो ये प्राइस प्रीमियम के अंडर है सब राइट right? तो ब्रांड ब्रांड में ऑफकोर्स आई थिंक वो तो फिर एग्जाम्पल इंडिया में भी काफ़ी सारे हैं राइट अगेन मोस्टली सभी एफ एम सी जी कंपनीज अगर आई थिंक वी कैन लिस्ट नेस्ले हिंदुस्तान लीवर राइट डाबर मैरिको तो ये सब कंपनीज जो हैं बिकॉज दे ब्रांड्स आर सो स्ट्रॉन्ग राइट तो दे कैन चार्ज अ प्राइस प्रीमियम ऑन देम ठीक है और कुछ और कंपनीज अगर हम बात करें तो आई थिंक पेज इंडस्ट्रीज़ में राइट right, तो जॉकी अगेन आई थिंक वो क्वालिटी में भी जा सकता है कि जॉकी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और उनका ब्रांड भी बहुत स्ट्रॉग है राइट right? तो इसलिए प्रीमियम प्राइजिंग है ठीक है सिमिलरली आई थिंक मान्यवर राइट वेदांत फैशन तो उनका भी प्राइजिंग काफ़ी प्रीमियम है एक तरह से प्रीमियम प्राइजिंग कर पाते हैं या मतलब उनका मार्जिन अच्छे हैं प्राइस प्रीमियम मार्जिन उनके मार्जिन दोनों से बाकियों से अच्छे हैं तो आई थिंक दे आल्सो इज़ अ क्वालिटी एंड ब्रांड उनका उस तरह से वो कर सकते हैं तो दे आर लॉट ऑफ सच कंपनीज आई थिंक और आई एम श्योर लॉट लॉट ऑफ अदर्स कंपनीज आर दे जो इस तरह से एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इंडिया में काम करते हैं और आजकल तो काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपनीज भी है लैंडमार्क कार्स और एथोस आई थिंक विच आर वर्किंग इन दिस प्रीमियम सेगमेंट ऑफ विच हैवे वेरी गुड मार्जिनस एंड एवरी ठीक है तनिश्क आई थिंक इज अर क्लासिक एग्जाम्पल वन मोर आई थिंक वी आई फॉर गेटिंग राइट तो अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड ठीक है एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो दैट्स वाई द प्राइज प्रीमियम तो अगर उनके मार्जिन देखोगे बाकी ज्वेलरी कंपनी से तो देआर मच मच बेटर फिर फोर्थ इन्होंने बोला है कि प्राइस प्रीमियम कब आता है कस्टमर लॉक इन से आता है ठीक है कस्टमर लॉक इन मतलब अनविलिंग टू स्विच टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स तो इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी की भाई हमने उसका यूज़ करते हैं तो वी डोंट वांट टू स्विच राइट तो इंडिया में आई डोंट नो मतलब आई थिंक टेलीकॉम राइट आप टिपिकली यू डोंट स्विच रेयरली यू स्विच राइट एयरटेल एंड दो ही कंपनीज है मेजरली अगर हम बात करें तो डू अपॉली है तो टेलीकॉम आई थिंक मेरे टॉप ऑफ द माइंड आता है कि रिलायंस जियो एंड एयरटेल आई थिंक हैव दैट कस्टमर लॉक इन ठीक है उनको वो एडवांटेज है कस्टमर लॉक इन का ठीक है बाकी अगेन आई आई डोंट थिंक कि ऐसा हम मतलब बाकी मार्केट शेयर वगैरह के ऊपर है कि नौकरी डॉट कॉम वगैरह की इन सब के हैं बाकी किसी की मोनोपली है तो फिर आपके पास लॉक इन तो क्या ही लॉक इन तो फिर तो मोनोपली ही है जैसे uh, आई वगैरह है तो वो तो वी शुड नॉट टॉक मच अबाउट ठीक है तो ये चीज़ें बोलिए रैशनल प्राइस डिसिप्लिन राइट आपका प्राइस डिसिप्लिन ही इतना रैशनल है कि लोअर बाउंड ऑन प्राइज इज इस्टेब्लिश बाई इंडस्ट्री लीजर राइट तो आप आ, वो मतलब कर पाते हो कि प्राइस डिसिप्लिन बहुत क्रिएट कर पाते हो अब सेकंड उन्होंने बोला है कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी तो आपका इनोवेटिव बिजनेस मॉडल आपका बिजनेस मॉडल इतना इनोवेटिव है कि आप वो कॉस्ट और कैपिटल एफिशिएंसी क्रिएट कर पाते हैं इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो आईकिया का दिया है और वन मोर मतलब मेरे को पता नहीं कौन सी कंपनी है बट बट आई थिंक डी मार्ट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल है राइट right? कि इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है सब सारे स्टोर्स बाय करते हैं राइट right? um, क्या कहते हैं पेएबल डेज आर कंप्लीटली आई थिंक कुछ तीन या चार दिन का पेएबल डेज है तो काफ़ी इनोवेटिव बिजनेस मतलब प्रैक्टिसज हैं उनकी राइट एंड डैट्स वाई दे कैन डू दोज कॉस्ट एफिशियसी मतलब सबसे ज़्यादा लोवेस्ट प्राइस पर वो कर पाते हैं और कैपिटल एफिशियंसी क्रिएट कर पाते हैं राइट right? तो वो मुझे लगता है कि डिमांड काफ़ी फिट होता है इस पर यूनिक रिसोर्सेज इनहेरेंट जोग्राफिकल जियोपोलिटिकल कररेक्ट्रिस्टिक्स और एक्सेस टू रॉ मटेरियल की ऐसा है कि आपकी वो आपके पास कुछ ऐसा एक्सेस है रॉ मटेरियल वगैरह का कि जिसकी वजह से आप कॉस्ट और कैपिटल एफिशियसी क्रिएट कर पाते हो तो अगेन ऑन द मतलब आप पी एस सी उसको तो बोल ही सकते हो ये कोल इंडिया वगैरह ये सब चीज़ें तो है ही बट इनका कोई कंपटीशन नहीं है सच तो ये तो गवर्नमेंट की वजह से भी है राइट बट अगर हम एक बाकी कंपनीज़ के बारे में इस तरह से कहें कि आ, जे हैव एक्सेस टू रॉ मटेरियल आई थिंक सम सीमेंट कंपनीज राइट अल्ट्राटेक है अम्बूजा है तो आई थिंक दे हैव दैट बेनिफिट ऑफ की पर्टिकुलर कि भाई उनके पास रिसोर्स रॉ मटेरियल का एक्सेस है या स्टील कंपनीज़ हैं उनके पास भी रॉ मटेरियल का एक्सेस है राइट right, तो वो मुझे लगता है कि दे आर सम एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद दोज काइंड ऑफ मतलब जियो पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या रॉ मटेरियल का एक्सेस उनको ईजिल है तो दे आर सम सच कंपनीज विच आर देयर तो विच आर राइट प्लेस पे वो uh, हैं राइट right? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो कॉस्ट कोर एमेजोन का दिया है राइट right? कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल में वो एफिशिएंसी क्रिएट कर पा रहे हो कॉस्ट एफिशिएंसी तो आई थिंक मारुति सुसुकी इज ए वेरी गुड एग्जांपल इंडिया परस्पेक्टिव से अगर हम देखें राइट तो दे हैव क्रिएटेड दोज इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो इस तरह से वो वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं इस तरह से वो उस कॉस्ट पे रख पाते हैं प्रोडक्ट्स को जो बहुत डिफिकल्ट है राइट right, कंपटीशन के लिए उस तरह के प्राइजिंग uh, पॉइंट्स पे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना ठीक है तो वो कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी क्रिएट कर पाते हैं फिर स्केलेबल प्रोडक्ट्स राइट एबिलिटी टू एड कस्टमर्स एंड कैपेसिटी एट नेग्लिजिबल मार्जिनल कॉस्ट राइट तो इस तरह का स्केलेबल प्रोडक्ट है क्या आपके पास कोई तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो मेटा का दिया है कि आप नए कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं और आपको कुछ ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट नहीं लग रही है उसमें तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आई डोंट नो आई डोंट नो इट मे बी वेग आंसर मे बी यू कैन करेक्ट मी बट बैंकिंग आई थिंक इज़ अ सेक्टर इंडिया में जो एक स्केलेबल प्रोडक्ट है राइट आपको एज सच कस्टमर ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट नहीं लगती है नए कस्टमर ऐड करने के लिए राइट right? तो वो है बाकी आई थिंक नौकरी अगर हम इन्फो एच देखें तो उनका नौकरी डॉट कॉम आई थिंक इज़ अ स्केलेबल प्रोडक्ट जोमैटो आई थिंक हैज़ दैट काइंड ऑफ स्केलेबल प्रोडक्ट ठीक है तो वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं तो इंडिया परस्पेक्टिव सो तो इसलिए मेरे को लगा कि ये तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तो जो ऐसी कंपनीज जो इन दोनों में दोनों हैं जिनके पास प्राइस प्रीमियम भी है और कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी भी है बताओ कौन सी है इंडिया में इस तरह की कंपनीज राइट तो वो चीज़ें हमें समझनी है आई डोंट नो मतलब इज इट रिलायंस जियो आई डोंट नो मतलब वी डोंट नो मच इट्स नॉट अ सेपरेटली लिस्टेड तो कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा वी कैन नॉट टॉक राइट बट डेफिनेटली देख दे कैन हैव दैट प्राइस प्रीमियम अभी तो नहीं है अभी तो उन्होंने खत्म ही किया है प्लेयर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से राइट बट तो आई डोंट नो इन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं कि ये दोनों चीज़ें जो प्राइस प्रीमियम भी कर पाते हैं और कॉस्ट एंड कैपिटल एफिशिएंसी भी कर पाते हैं उन्होंने अल्फाबेट ऑब्वियसली मेटा माइक्रोसॉफ्ट एडोबी एंड इंटूट ये चार पांच कंपनीज का एग्जांपल दिया है यहाँ पे तो ये जो दोनों चीज़ें कर पाते हैं कि दे हैव दैट प्राइज़ प्रीमियम एज़ वेल